अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल चैनल उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यवस्था ठीक ठाक है से होंगे तो जी दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया आऊँ आपके लिए एक कृत एक कनाल घर का प्रपोजल तो जी बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक कनाल पे मुश्तम एक कदत घर के प्रपोजल को तो इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह मेरा ये घर का प्रपोजल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लाट है या इससे कुछ मिलता जुलता है या आप इसमें से आइडियाज को पिक करते हुए अपने प्लाट के ऊपर बना सकते हैं इसके अलावा अगर आप भी अपने प्लाट के लिए इसी तरह के बेहतरीन से घर के प्रपोजल को डिजाइन करवाना चाहते हैं या अपने घरों के नक्शे बनाना चाहते हैं तो साथ ही नंबर पर आपका कर सकते हैं इनशाला आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही जबरदस्त सा और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक लग्जरी सा ड्रीमी सा काम करके दिया जाएगा तो चलिए जी कहते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट और तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें तो घर के इस वाले नक्शे की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाले हैं कुल तीन अदद बेडरूम और तीनों बेडरूम को बहुत ही अच्छे से ड्रेसिंग और बाथ भी अटैच दिए गए हैं तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ मेन गेट से कर लेते हैं स्टार्ट मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज को तो प्लाट का जो हमारे पास मेन साइज आएगा वो आएगा तक पैसठ फिट बायसी फिट यानी 65 फाइव फिट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की इसकी विथ आ जाएगी और 85 फाइव फिट हमारे पास ये लेंथ में आ जाएगा इसकी लंबाई आ जाएगी तो एरिया की बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 5500 सौ स्क्र फिट घर के इस वाले प्रपोजल में आपको देखने को मिल जाएंगे तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ मेन गेट से कर लेते हैं स्टार्ट मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट के साथ ही जैसे ही आप अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा इसमें एक तरफ कारपोर्स दो बड़ी गाड़ी का कारपोर्स मिल जाएगा जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़िया अंदर की तरफ इजिली पार्क हो जाएंगी इसके साइज को देखेंगे तो इसका साइज आ जाएगा हमारे पास इक्कीस फीट बाई बीस फीट इक्कीस फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चुड़ाई जो कि आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी और बीस फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा इसके ऊपर आने वाले कवर एरिया को देखा जाए तो कवर एरिया हमारे पास कुछ इस तरह करके आ जाएगा जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे इसके अलावा इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास एक एकदर कालम जो कि इसको मुकम्मल तौर पर स्पोर्ट भी फ्राम करेगा इसके साथ ही एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक कदर लान एक कदर गार्डन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी प्लांटेशन वगैरह सिटिंग वगैरह कर सकेंगे बहुत ही अच्छा सा आपको इसमें एनवायरमेंट देखने को मिल जाएगा और आप इसमें प्लांटेशन वगैरह कर लेंगे तो घर के बहुत ही अच्छी सी लुक आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी और तेरह फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा घर के प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको इसको मुकम्मल तौर तो पर फ्लिक प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा जिससे आपके घर के स्ट्रक्चर को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा लॉन के बनाने से इसके अलावा जैसे ही आप अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो आपको एक अदर खूबसूरत सी मेन इंटरेस्ट मिलेगी जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इसमें एक डबल डोर जो कि ले जाएगा आपको इंटरेस्ट लॉबी की तरफ जिसमें आपको मिलेंगी सीढ़िया और एक अदर पाउडर रूम इसके साइज को देखें जी तो इसका साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन छब्बीस फीट बाई बारह फीट पच्चीस फीट नौ पास इसमें चुड़ाई जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी और बारह फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा इसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर जो कि आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी इसके अलावा नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास इसमें एक बात बाद का साइज है पांच फिट बाई बारह फिट पांच फिट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और बारह फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो आपको काफी सारी सी विंडोज देखने को मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वेंटिलेशन वगैरह वे भी मिल जाएगी इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर इंटरेस्ट ड्राइंग रूम के लिए डबल डोर की सूरत में ड्राइंग रूम मिल जाएगा काफी बड़े साइज का तो इसके सा तो 25 25 और चौदह फीट हमारे लंबाई में आ जाएगा तो इसकी वेंटिलेशन देने के लिए आपको तीन सी मिल जाएंगी जो कि इस वाले में ओपन होगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह भी मिल जाएगी इसके अलावा जैसे ही आप आगे की तरफ पड़ेंगे तो आगे जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर डाइनिंग एरिया जिसमें आपको मिल जाएगा एकदर डाइनिंग टेबल लगाने के लिए कुछ स्पेस और दोनों के सेंटर में आ जाएगा हमारे पास एक अदर स्लाइडिंग डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए ट्रैंक वाले लोग भी इस वाले डाइनिंग में इजीली एंट्रेंस ले सकेंगे इसके साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे एक अदर टेरेस मिल जाएगा जिसमें आप अपनी प्लांटेशन वगैरह कर सकेंगे तो आपको अंदर से बहुत ही अच्छा सा व्यू मिलेगा बाइट देखने के लिए डाइनिंग के साइज की बात करें तो इसका साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन अठारह फीट बाई ग्यारह फिट अठारह फिट इसकी चुड़ाई आ जाएगी और ग्यारह फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और टेरस का साइज आ जाएगा हमारे पास छह फिट बाई ग्यारह फिट छह फिट इसकी चुड़ाई आ जाएगी और ग्यारह फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा तो दोनों की विंडोज आपके इसमें ओपन हो जाएंगी तो दोनों या मतलब एक सा डोर भी दे सकते हैं इसके अलावा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो, तो आगे आप मिल जाएगा साइज तक इकतीस फीट बाई पंद्रह फीट तीस फीट नौ इंच इसमें छुड़ाई जो जाएगा आपको आपके सिटिंग की आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी और पंद्रह फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो की आपको तक का मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी आपको स्पेस मिल जाएगी जिसमें सोफा वगैरह लगा सकेंगे इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो राइट साइड पे आपकी एक कदम विंडो ओपन हो जाएगी जिसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से इसमें वेंटिलेशन वगैरह भी मिल जाएगी इसके अलावा आपको दोनों साइडों पे यानी राइट साइड पे पांच फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपको तकरीबन साढ़े पांच फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा जिसमें आपके तमाम की तमाम तो विंडोज वगैरह ओपन हो जाएगी तो क्रॉस वेंटिलेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी पूरे घर के लिए इसी साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक किचन किचन के लिए एंट्रेस मिलेगी मदद से और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन बीस फिट बाई ग्यारह फिट बीस फिट इसकी चुड़ाई आ जाएगी ग्यारह फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसके साथ ही आपको एक एकदर डटे किचन या स्टोर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा तो इसका साइज होगा हमारे पास चौदह फिट बाई साढ़े पाँच फिट चौदह फिट इसकी चुड़ाई आ जाएगी और साढ़े पाँच फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी सी स्पेस आपको मिल जाएगी किचन के लिए और डटे किचन के लिए और इसके अलावा किचन में ही आपको एक्सेस मिल जाएगी इस वाले डाइनिंग में जाने के लिए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें सर्विंग वगैरह भी कर सकेंगे इसके अलावा सिटिंग लॉन्च वाले लोग भी डाइनिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेस्ट भी कर सकेंगे इसके साथ ही बैक की तरफ आते हैं जी तो बैक साइड पे आपको मिल जाएगी सेंटर में एक बेड नो भी जिसमें आपके तमाम तमाम तो बेड्स के डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे तो इसके साइज को देखेंगे तो इसका साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन तेरह फिट बाई पांच फिट तेरह फिट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और पांच फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं राइट साइड वाले बेडरूम को तो इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और इसका साइज होगा हमारे पास तकरीबन सत्रह फिट बाय पंद्रह फिट सत्रह फिट इसकी चौड़ाई होगी और पंद्रह फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा तो इसको भी वेंटिलेशन मिल जाएगी बाहर राइट साइड वाले पैसिस से इस वाली जगह पे इसकी विंडो आ जाएगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेंटिलेशन वगैरह भी मिल जाएगी इसी साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा हमारे पास इसमें एक द ड्रेसिंग और ड्रेसिंग का साइज है हमारे पास आठ फिट बाई साढ़े पाँच फिट आठ फिट इसकी चौड़ाई आ जाएगी साढ़े पाँच फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह दो अदद इसमें फिक्स हो जाएंगी जिसको आप अपनी मुख्त पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे इसके साथ ही आगे की तरफ आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अटैच बात बात का साइज होगा हमारे पास आठ फिट बाई नो फिट आठ फिट इसकी चुड़ाई नौ फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा तो काफी अच्छे साइज का आपको इसमें बात मिल जाएगा तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे इसके साथ ही इस घर का दूसरा बेडरूम मिल जाएगा आपको बैट रो भी बिल्कुल सामने ही इसके लिए एक्सेस भी मिल जाएगी और इसका साइज होगा हमारे पास तकरीबन सोलह फिट बाई सोलह फिट सोलह फिट इसकी चुड़ाई सोलह फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और राइट साइड पे आपको मीटर मिल जाएगी ड्रेसिंग के लिए और इसका साइज होगा हमारे पास आठ फिट बाय पांच फिट आठ फिट इसकी चुड़ाई पांच फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा लेफ्ट साइड पे आपको अटैच बात मिल जाएगा बात का साइज होगा आठ फीट बाई नौ फीट आठ फिट इसकी चुड़ाई नौ फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा तो पहले वाले बात की तरह इस वाले बात का साइज भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा तो दोनों बात के साथ साथ इस वाले बेडरूम का भी वेंटिलेशन आपकी बैक साइड वाले पैसेज में मिल जाएगी यानी कि बैक साइड पर आपको तकरीबन तीन फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा जिसमें आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से पीछे से इन तमाम चीजों को वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम और इसको इंटरेस्ट मिलेगी डोर की मदद से और इसका साइज होगा हमारे पास सत्रह फिट बाई पंद्रह फिट सत्रह फिट इसकी चौड़ाई आ जाएगी पंद्रह फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसको वेंटिलेशन आपकी लेफ्ट साइड वाले पैसे से मिल जाएगी इधर वाली साइड पे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा इसमें ड्रेसिंग ड्रेसिंग के लिए एक्सेस मिलेगी और इसका साइज होगा हमारे पास तकरीबन सात फिट बाय सात फिट छह फिट आठ इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी सात फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसी के लेफ्ट साइड लिए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी बात के लिए बात का साइज होगा छह फिट दस फीट इसकी चुराई छह फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा तो बैक साइड से आपको इस वाले बात के लिए वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे और बैक साइड पे मुकम्मल तौर पर ओपनिंग मिल जाएगी तो जिसमें आपकी विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगे इसके साथ साथ आपका सिवेज वर्क भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इंस्टॉल हो जाएगा तो आ जाते हैं इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू तो जी दोस्तों ये था पैसठ बाई पचासी का हमारे पास एक अद्ध घर का प्रपोल जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डोमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर कारपोर्स लेफ्ट साइड पर आपको एक अदर लॉन मिल जाएगा गार्डन मिल जाएगा आगे आएंगे तो आगे आ जाएगा हमारे पास एक आदर डबल डोर जिसमें आपको मेन एक्सेस मिलेगी इंटर स्लोबी के लिए जिसमें आपको मिल जाएंगी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए इसके अलावा बेसमेंट की भी सीढ़ियाँ आपको इसी में ही मिल जाएंगी इसके अलावा इसके नीचे मिल जाएगा आपको इसमें एक कदर बात जिसको ड्राइंग वाले लोग ईजिली इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राॅइंग रूम ड्राइंग रूम के साथ मिल जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया के साथ ही आपको लेफ्ट साइड पर टेरेस मिल जाएगा जिसमें आप अपनी सिटिंग वगैरह कर सकेंगे छोटी मोटी और राइट साइड पर आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर सिटिंग लाउंज जिसमें आप अपने सोफा वगैरह लगाएंगे और लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाएगा किचन किचन के साथ डर्टी किचन भी मिल जाएगा और बैक साइड पे आपको तीन अदर बेडरूम मिल जाएंगे और तीनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह बहुत ही अच्छे साइज के मिल जाएंगे और वेंटिलेशन भी आपको मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी तो ये थी वीडियो में कहता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा तो अगर आप भी अपने अपट के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे से घरों के प्रपोजल प्लान बनाना चाहते हैं तो साथ ही ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं इनशाला आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही जबरदस्त आप नियरी सा काम करके देंगे तो इनशाला आपको पसंद आएगा इसके साथ ही मुझे दीजिए ज्यादा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दो में याद रखेगा मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक करिए